नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय। आज की बात में एक बार आपके समक्ष फिर हाजिर हूँ। बात करेंगे, कोरोना दे रहा है चुनौती पूरे देश को। ढाई महीने में पहली बार ऐसा हुआ जब देश भर में शनिवार को 25,000 से ज़्यादा मामले आए। इसमें 16,000 से ज़्यादा मामले अकेले महाराष्ट्र के हैं। जिन राज्यों में फिर से सक्रिय मामला में तेजी दिखने को मिल रही है उनमें महाराष्ट्र और केरल के अलावा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका और तमिलनाडु शामिल हैं। सिर्फ महाराष्ट्र की ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों को भी फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आना चिंता पैदा करने वाली बात है। अभी तक माना जा रहा था कि भारत में महाराष्ट्र और केरल जैसे इक्का दुक्का राज्यों को छोड़ दें तो देश में अब कोरोना संक्रमण का फैलाव थम गया है, या फिर जहां भी नए मामले मिल रहे हैं वहां नाम मात्र के हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में यह बात गलत साबित हो गई है कि यह खतरे की घंटी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही चेतावनी दे चुका है कि महामारी का खतरा अभी टला नहीं है और कई देशों को इसकी दूसरी तीसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है। ताज़ा हालात पहले के मुकाबले कई ज़्यादा बड़े और गंभीर खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के पीछे बड़ा कारण लोगों का फिर से लापरवाह हो जाना है। सुरक्षित दूरी की कोई पालन नहीं हो रहा है। संक्रमण से बचाव के लिए जो भी सावधानियां बरतनी जानी चाहिए उनकी कोई परवाह नहीं हो रही है। इसमें कोरोना संक्रमण का वाहक होगा कोई नहीं जान सकता। हैरानी की बात यह है कि संक्रमितों की पहचान के लिए जिस बड़े पैमाने पर राज्य सरकार को RT-PCR जांच का अभियान चलाना चाहिए था उसे लेकर राज्यों ने गंभीरता नहीं दिखाई, बल्कि लापरवाही की हद तो यह है कि चल रहे जाँच शिविरों को यह मानकर बंद कर दिया गया कि अब तो कोरोना का प्रकोप कमजोर पड़ चुका है। इस जांच से संक्रमितों का पता चलता और उन्हें एकांतवास में रखा जाता ताकि संक्रमणों के फैलने का खतरा काफ़ी कम हो जाता। देश में अब टीकाकरण का अभियान भी जोरों पर है, लेकिन टीका आ जाने और लगवाने लेने का मतलब यह भी नहीं है कि हम बचाव के उपयोगों का ताक पर रख दें। पर्याप्त संख्या में लोगों की जांच और टीकाकरण और बचाव के नियमों की सख्ती का पालन ही संक्रमण को फैलने से रोकने का एकमात्र उपाय है। लेकिन इन सभी मोर्चों पर घोर लापरवाही दिखने को मिल रही है। टीकाकरण को लेकर लोगों के मन में तमाम तरह की भ्रमतियां बनी हुई हैं और इसी का नतीजा है कि लोग पहले की खुराक के बाद दूसरी खुराक लेने से बच रहे हैं। भलाई इसमें है कि हम महामारी विशेषज्ञों की इस चेतावनी को बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें कि जरा सी लापरवाही भी देश को फिर से संकट में डाल देगी। आपको अपने पंजीकरण के लिए एक फ़ोटो आईडी और की आवश्यकता होगी। जिसे भी टीकाकरण करवाना है वह अपने पंजीकरण के लिए एक फ़ोटो आईडी की आवश्यकता होगी जिसे टीकाकरण स्थल पर स्थापित किया जाएगा। वैक्सीन लगवाने के लिए अपने साथ उसी आईडी को ले जाना अनिवार्य है। 2 गज की दूरी, मास्क लगाना है ज़रूरी। मैं आपको फिर मिलूँगा एक नए मुद्दे नई खबर के साथ। सुरक्षित रहिए, सचेत रहिए। नव समाचार विभाग खबर हर समय देखते रहिए। धन्यवाद।